नमस्कार, अमरुजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, देश में लोकतंत्र का महापर्व इस वक्त मनाया जा रहा है, यानी कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं पूरे देश में। और इसी कड़ी में सत्ता के संग्राम का रथ लेकर अमर उजाला की टीम हर लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रही है। क्या सियासी समीकरण है, लोगों के मुद्दे क्या है, उनके मन में क्या है, ये सब कुछ जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम पहुंचे हुए हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हॉट सीट है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त नजर आ रहा है। अगर बात की जाए, एक तरफ कांग्रेस से बीजेपी में आए नवीन जिंदल दिखाई देंगे आपको, दूसरी तरफ सुशील गुप्ता हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, तीसरी तरफ अभय चौटाला है। और ये सारे जो पूरा समीकरण है, इसको अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि किस नजरिए से देख रहे हैं, किसको अपना पलड़ा भारी दिख रहा है और क्यों दिख रहा है, दावे वादों में दम कितना है, वो जानने समझने की कोशिश करेंगे। सभी पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है अमरुजाला.com पर। आपसे शुरुआत करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सरकार केंद्र में बीजेपी की है, राज्य में भी बीजेपी की है, बहुत सारे सवाल विकास को लेकर लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, यहाँ पर जो आम लोगों से आज मेरी बात हुई, कांग्रेस पार्टी से लाकर नवीन जिंदल को आपने टिकट दिया, क्या यहाँ पर आपके पास पहले तो कोई स्थानीय नेता नहीं था, एक? और दूसरा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मोदी के नाम पर ही चुनाव हो रहा है या है यहाँ पर जो विकास हुआ उसके नाम पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप अमर उजाला की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ अपनी बात रखने के लिए बुलाया। और मेरा नाम मनदीप सिंह विर्क है और मेरे पास भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी है। देखिए, जो ये चुनाव है, इस चुनाव में माननीय मोदी जी ने जितने काम देश के लिए किए हैं, उनकी सरकार ने जब से 2014 से लगाओ 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी जी ने अनेक विकास करे, जिससे देश को और देश के जो भविष्य है उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। उनमें मुख्य रूप से अगर बात करूँ तो धारा 370 जो हमारे देश के लिए एक नासूर थी, उसको खत्म करने का काम किया है। अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनाने का काम किया है। इसके अलावा कितने ही विकास कार्य है, सड़कें आप देख लो, किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, आपको चारों ओर सड़कों का एक जाल बिछा मिलेगा। पहले क्या था, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें आपको सड़कें की जो स्पीड थी वो मात्र 5-7 किलोमीटर थी, आज 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बनाई जा रही हैं। अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नेक योजना चलाई है, उनका जो जीवन शैली है उसको अच्छा करने का काम किया है, उनकी आय बढ़ाने का काम किया है। इसमें फसल बीमा योजना है और किसानों के सम्मान देने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की शुरुआत करी। अगर मैं बात करूँ महिलाओं के लिए, जो गरीब महिलाएं थी, जो बेचारी धुएं में जिनकी हालात खराब हो जाते थे, उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ के करीब सिलेंडर बांटने का। लेकिन विच साहब को किसानों ने घेर लिया था, बहुत सारे सवाल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी तो मेरी है, गृहमंत्री मैं था। देखिए, किसान हमारे अपने ही है, हमारे बेगाने नहीं है, कोई बात नहीं, जो लोकतंत्र है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। कोई वो बात करते हैं तो हम उसका जवाब देते हैं, कोई ऐसी हमने किसान का नुकसान नहीं रखा। आप दूसरी पार्टियां देख लीजिए, जितनी पार्टियां हमारे बराबर में चुनाव लड़ रही हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे नेलो है, चाहे आम आदमी पार्टी है, सभी ने जब भी किसानों के आंदोलन हुए, उन्होंने आंदोलन को लाठी और गोली से खत्म करने का काम किया। लेकिन देश के इतिहास के अंदर एक पहला आंदोलन ऐसा हुआ जिसमें हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव वाले दिन किसानों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की कि मैं आपको ये कानून समझाने में असमर्थ रहा, तो इसलिए आपकी भावनाओं को समझते हुए मैं ये 3 कानून वापस लेने का काम कर रहा हूँ। तो ये किसानों के लिए इतने काम किए, फसल का जो रेट है सबसे ज्यादा देने का काम किया, किसानों की फसल का जो मुआवजा बनता है अगर नुकसान होता है तो वो हमने सबसे ज्यादा देने का काम किया है। कृषि योग्य बजट जो 2004 से 2014 तक मात्र 7.25 लाख करोड़ था, वो हमने 10 सालों में 20 लाख करोड़ से ऊपर करने का काम। एक बात बताइए जल्दी से, जब इतना विकास के काम आप लोगों ने किए हैं, फिर आपको प्रत्याशी कांग्रेस से क्यों लाना पड़ गया, क्यों नहीं अपने किसी नेता को यहाँ से लड़वाया गया? देखिए, नवीन जिंदल जी एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध समाज सेवी, आप सभी लोग जानते हैं कि वो उनका राजनीति में आने का जो मकसद है वो समाज सेवा का है, वो किसी तरह का लोभ लालच उनको नहीं है। जब वो पहले सांसद थे तो उन्होंने हर एक गरीब कन्या की शादी के ऊपर कन्यादान देने का काम किया, गरीबों की मुफ्त जो आंखों के ऑपरेशन कराने का काम किया, उनको दवाई देने का काम किया। और वो मोदी जी की नीतियों से इतने प्रभावित हैं कि जो 2047 को मोदी जी ने विश्व भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा, संकल्प लिया है, उसको देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बीजेपी के बाद आ गए हैं। और पहले भी उनके पिताजी ने जब चुनाव लड़ा था हरियाणा विकास पार्टी में, तो उस समय भाजपा से गठबंधन था, गठबंधन में चुनाव लड़ा था, और उनकी सोच है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, सोच को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए और पार्टी ने उनको टिकट से मिलती है, ऐसा उनको लगता है नवीन जिंदल साहब की। लेकिन बड़ा सवाल है, इतने दिनों के बाद कैसे पता चला कि नवीन जिंदल साहब की सोच जो है बीजेपी से मिलती है? और दूसरा, सुशील गुप्ता साहब को आप लोगों ने टिकट दिया है, क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, दोनों बताइए पहले एक बार। परिचय
मेरा नाम सुमित हिंदुस्तानी है, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मैं अपने भाई की बात सुन रहा था, वो उन्होंने सारी राजनीतिक दलों को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया और खुद साइड में हो गए। देश के भाग्य विधाता, देश का अन्नदाता के साथ जो भद्दा मजाक इस भारतीय जनता पार्टी ने करा, इतिहास में कभी ऐसा नहीं किया। लाठियों से भांजा गया, गोलियां चलवाई गई, सारी चीजें करी गई, आतंकवादी कहा गया, बाहर से फंडिंग आ रही है, ये सब चीजें कहा गया, तो इनका इतिहास काला है अन्नदाता के लिए। और रही बात नवीन जिंदल जी की, नवीन जिंदल जी को कैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई गई और 35 मिनट के अंदर उनको टिकट दे दी गई, ये जो दुख था और जो मुंह से एकदम से निकलता ना, अबे यार ये क्या हुआ, ये इनके मुंह से भी निकला होगा, क्योंकि इन जैसे लोग ही थे जो अपनी राजनीतिक पारी के लिए तैयार हुए थे भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी ने इसी धरा पर आकर नवीन जिंदल को कोयला चोर बताया, तब इन लोगों ने खूब धरने प्रदर्शन करे उस समय के नवीन जिंदल के खिलाफ कि आप तो कोयला चोर हैं, ये हैं, वो हैं। आज ये लोग उसको लेके अपने पास आ गए हैं, तो दर्द इनके हम समझते हैं और कुरुक्षेत्र की जनता भी समझती है कि इन लोगों के साथ बहुत माड़ी बनी है। इसी वजह से किसी भी गाँव में, किसी भी एरिया में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा, ना कुछ किया जा रहा है। रही बात नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल के काम की, अगर मोदी जी ने कोई 10 साल में अच्छा काम किया होता तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल ही आया था कैथल में, कुर्सियां खाली पड़ी थी, लोग क्यों नहीं सुनने आए। इन्होंने बात करी शगुन योजना की, मुझे आप बात बता दीजिए, आपको आप किसी खुशी में जा रहे हो और वहां पर शगुन देकर आ रहे हो, तो आप इस मंशा से जा रहे हो कि कल को शगुन के नाम पे मैं वोट लूंगा? तो मुझे लगता है ये बहुत छोटी आंकलन है, बहुत छोटी सोच ऐसे लोगों की। और सुशील गुप्ता जी के बारे में आपको बता देता हूँ, डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी पहले भी पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे, आम आदमी पार्टी से रहे, उन्होंने किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, महिला सुरक्षा की आवाज को हिंदुस्तान की पंचायत में जब वो राज्यसभा में थे उन्होंने पूरी बुलंदी तरीके से उतारा है, बुरे बुलंद तरीके से अपनी बात को रखा है। और कुरुक्षेत्र के साथ सुशील गुप्ता जी का बहुत पुराना जुड़ाव है, यहाँ की बहुत सी संस्थाओं के वो चेयरमैन है, बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हैं, 200 बेड का धर्मशाला उनकी जिसके वो चेयरमैन है, 18 मंजिले ज्ञान यज्ञ यहाँ पर मनाया जा रहा है, 18 मंजिले बन चुका है, और हाल ही में उन्होंने 2 एकड़ जगह लिया बिड़ला जी से जहां पर वो एक धर्मार्थ हॉस्पिटल बनाएंगे। अभी कोरोना महामारी आई थी, मैं मेरे भाई से ये पूछता हूँ कि नवीन जिंदल जी की एम्बुलेंसें कहाँ थी उस कोरोना महामारी में? इनके नवीन जिंदल हाउस के ताले भी नहीं खुले थे कि वहां पर जाकर आप कोई भी सेंटर बना लीजिए। सुशील गुप्ता एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने राजनीति का धर्म अपनाते हुए, क्योंकि सुशील गुप्ता धर्म की राजनीति नहीं करता है, राजनीति का धर्म अपनाते हुए कुरुक्षेत्र नहीं पूरे हरियाणा के अंदर ऑक्सीमित्र खोल रहा था। और जब वो आई, आपके बाढ़ आई थी यहां पर अभी कुछ महीने पहले, उत्तरी हरियाणा में बाढ़ आ गई थी, तब इनके नवीन जिंदल का हेलीकॉप्टर कहां था, किसको रेस्क्यू किया, क्या चीज करा? उस समय सुशील गुप्ता पूरे 5 फीट पानी के अंदर गलियों में घूम घूम राहत सामग्री बांट रहा था। तो कुरुक्षेत्र के लोगों का यह नैरेटिव है कि हम हेलीकॉप्टर वाले को हराएंगे, हिम्मत वाले सुशील गुप्ता को जिताएंगे। मैं आऊंगा आप सबके पास सर, एक बार आप। जी जी जी, मैं शैलेश्वर, लोकसभा मीडिया प्रमुख भारतीय जनता पार्टी। बाहर से क्यों लाना पड़ गया आप लोगों को प्रत्याशी, ये बड़ा विकट प्रश्न है, बहुत सवाल उठा रहे हैं, हम लोग भी पूछ रहे हैं, बाकी पार्टी वाले तो पूछ ही रहे हैं। अंदर से कौन है, लोकल कौन है? अभय चौटाला भी बाहर से, सुशील गुप्ता भी बाहर से, नवीन जिंदल साहब को दूसरी पार्टी से लाना पड़ेगा। स्वयं आए हैं, गलती करके आते ही आपने टिकट दे दिया, आप टिकट लेकर बैठे हुए थे। बहुत पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी हैं, डेवलपमेंट के लिए पढ़े लिखे और यंग आदमी को टिकट देना बहुत जरूरी है, उचित है, डिजर्व करते हैं। वो पहले भी इस लोकसभा में 2 बार सांसद रह चुके हैं, उन्होंने बहुत नवीन कार्य किए यहाँ पे, तो उचित है, उचित है। आप लोग ठीक, बिल्कुल बिल्कुल उचित है उनको टिकट देना। किसी कार्यकर्ता में नवीन जिंदल जी को टिकट देने नाराजगी नहीं है, बल्कि उन्हें दुगुना उत्साह है। नवीन जिंदल जी, अभी कुछ दिन पहले तक तो सिनेरियो भी एकदम उल्टा था ना, नवीन जिंदल कांग्रेस में थे, आप लोग सवाल उठाते थे प्रधानमंत्री कोयला घोटाले की बात करते। नहीं नहीं, देखिए जो मेरे भाई ने बात करी सुशील गुप्ता जी, देखो सुशील गुप्ता जी तो हमने जब से वो चुनाव लड़ने लगे तब से यहाँ देखा, हमने उनको पहले तो कभी देखा ही नहीं। अगर आप बात करें तो कुरुक्षेत्र में भी जिंदल हाउस है, कैथल में भी जिंदल हाउस है, इनका तो यहाँ पे कोई ठिकाना है नहीं। ये यहाँ चुनाव लड़ेंगे, जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो ये अपना बोरी बिस्तर पेट के यहाँ चले जाएंगे। और ये सभी लोग जानते हैं, सारे जग में जाहिर है कि वो राज्यसभा के सांसद कैसे बने, क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार है और वहां पर पंजाब के कोटे से जितने राज्यसभा सांसद बने सारे बाहर के बने, और सारे आपको पता है कैसे पैसे ले लेकर उनको बनाया गया। तो सुशील गुप्ता जी वो हैं जो पैसे के दम पे राजनीति करते हैं, लेकिन नवीन जिंदल जी ऐसे आदमी नहीं है, वो लोगों से प्यार की, प्रेम की और मेहनत की वोट मांग रहे हैं, कभी पैसे की उन्होंने अहंकार नहीं किया, वो अपने काम के बल पे वोट मांग रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे सारे संगठन साथ है, इनके तो जो मुख्य तौर पे जो क्लासो सैनी जी थी इन्हीं की पार्टी की थी ना, इनकी पार्टी को छोड़ के आज वो इंडिया अलायंस की एक मजबूत साथी बन गई है,
वो भी तो टिकट मांग रही थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ संगठन 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 चलाती है, संगठन के नाम पर इनके कार्यकर्ताओं को बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है और किसी धन्य लोगों को लाकर, किसी व्यक्ति को लाकर टिकट देके उसको अच्छा बना दिया जाता है। ये बता रहे थे कि 10 साल से नवीन जिंदल ने बहुत अच्छा काम किया। आप नवीन जिंदल के 10 काम गिनवा दीजिए जो उन्होंने अपने काम में किए। अरे आपके प्रधानमंत्री ने उसको कोयला चोर कहा था, उस पर स्पष्टीकरण दे दो। तो ये सारी की सारी चीजें देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और हम ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए, जिसको सुशील गुप्ता पहले भी निभाता था। और 4 जून को जब जीतकर कुरुक्षेत्र की आवाज बनकर जाएगा हिंदुस्तान की पंचायत में, तो राजनीति का धर्म निभाएगा। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ एक बार, बाकी लोगों को मैं चर्चा में शामिल कर लूँ। सर एक बार अपना परिचय। मेहर सिंह रामगढ़, कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट। कांग्रेस पार्टी से, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास की? यहाँ पर जब थे नवीन जिंदल तब तक कोयला चोर का आरोप लगता था, अब उधर गए तो बहुत बढ़िया हो गए। उनके पास बहुत बड़ी एजेंसियां हैं, ईडी सीबीआई, उनका डर दिखाकर अपने पास ले आते हैं और फिर उनके केस सारे बंद हो जाते हैं। बस डर की वजह से चले गए, डर की वजह से। जेल का सबको डर लगता है, देखो कोई भी हो। यहाँ पर मुद्दे क्या है? अब आप लोग तो आम आदमी पार्टी के साथ हैं, सुशील गुप्ता जी के लिए काम कर रहे हैं, मुद्दे क्या है यहाँ के? पिछले 5 साल में 10 साल में क्या हुआ? इंडिया गठबंधन है हमारा और हमारे यहाँ उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं, समाज सेवी हैं। तो पहले भी उन्हें समाज सेवी के नाते, उनका शिक्षा में बहुत संस्थाएं उन्हें चलाई हुई है और यहाँ भी वो अच्छे उम्मीदवार हैं और अपना लोगों में मिल रहे हैं पिछले 2 महीने से और सभी लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और भारी मतों से यहाँ जीत के जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी और आम पार्टी जो भी इंडिया गठबंधन है हमारा, मिलकर हम सभी यहाँ भारत में मोदी जी को हराएंगे और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी हमारे देश में। बन रही है इंडिया गठबंधन की? बिल्कुल बिल्कुल। कैसी चल रही है सर चुनावी लड़ाई, परिचय दीजिए अपना। देखिए मैं चुनावी लड़ाई पे तो बाद में आऊंगा, मैं तो कुरुक्षेत्र, मेरा नाम प्रेमचंद है और मैं इंडियन नेशनल लोकदल का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके सामने हूँ। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, अभी मेरे साथी ने कहा कि धारा 370 हटा दी, शायद उनको ये भी नहीं पता कि संविधान में धारा नहीं होती, अनुच्छेद है। और कभी भी किसी ने भी, जो ज्ञानी महाज्ञानी इस पार्टी में है, सब यही बोलते हैं धारा 370 हटा दी। इस देश में से धारा 370 कभी हट नहीं सकती, मैं कह रहा हूं। आज भी आप संविधान की एक प्रति बाजार से जाके खरीद के ले आए, 370 अनुच्छेद 370 आज भी संविधान का अभिन्न अंग है और जिस दिन 370 हटेगी कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं होगा। ये साथी ये बोल देंगे कि आप तो तोड़ना चाहते हो, 370 का मतलब यही है कि कश्मीर का भारत में विलय है। और फिर आप आर्टिकल 370 को कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोलते जाएंगे, कोई नहीं हटा सकता, कोई दुनिया की ताकत 370 नहीं हटा सकती। दूसरा कौन सी बात पे आते हैं, अभी किसान की बात कर रहे थे भाई साहब, किसान पंजाब और हरियाणा के किसान को तो पता है, ये ज्यादातर लोग किसान परिवारों से भी आते हैं, सरदार जी को भी कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि पंजाब और हरियाणा के किसान ने कितना झेला है, कितने लोगों की शहादत हुई है। सरदार जी शायद उस बात को कहीं नजरअंदाज कर देते होंगे, फिर नाम आरोप लगा देंगे किसी और पार्टी पे। कुछ भी आप कुरुक्षेत्र में, जब कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, 2 बड़े गठबंधन है, इंडिया और एनडीए, यही है ना, बाकियों का तो नाम लेना छोड़ दिया, मीडिया ने भी छोड़ दिया, क्षेत्रीय दलों की तो आप बात करते नहीं। हम तो बात कर रहे हैं ना। नहीं मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब आप गठबंधन की बात करते हो, दोनों बड़े गठबंधन को कुरुक्षेत्र में प्रत्याशी नहीं मिला, कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी, बहुत सारे लोग थे इंतजार में टिकट, बहुत लोग चाहते थे, ऐसा नहीं है कि सब दरिया बिछाने वाले हैं, देता भी है पार्टियों में, क्यों नहीं चुनाव लड़ा? गठबंधन धर्म निभाया जी, दे दिया टिकट, बहुत अच्छी बात है, गठबंधन धर्म निभाओ। आज गठबंधन का जो हाल करनाल में आपने अगर देख लिया हो शायद, आज गठबंधन के बहुत बड़े नेता शरद पवार जी किसके लिए प्रचार करने आए? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी का समर्थन करने आए। आज क्यों नहीं उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया? आज शरद पवार जी करनाल में थे, बहुत नजदीक है हमारे, मंच पे जाके देखे आप उन्होंने क्या बोला है, क्या ये गठबंधन धर्म है? फिर आप बात कुरुक्षेत्र के विकास की करते हो, कुरुक्षेत्र में या तो मैं याद करता हूं उनको, नंदा जी इस देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, यहाँ के प्रतिनिधि थे, जब कैथल इस लोकसभा क्षेत्र का नाम था वो 2 बार सांसद बने और दोनों बार सौभाग्य उनको प्रधानमंत्री होने का, वैसे तो वो ऐसी घटना थी कि उसको बहुत सौभाग्य वाली बात नहीं कहा जा सकता,
पंडित नेहरू की डेथ के बाद भी और शास्त्री जी की डेथ के बाद भी दो बार उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। कुरुक्षेत्र का संसदीय इतिहास बहुत अच्छा है। यहाँ हमेशा से 14 और 19 को आप अलग रख दें, हमेशा तो चुनावी था ना सर। मैं वही बता रहा हूँ आपको, वो नैरेटिव थे, वो नैरेटिव थे, वो किसी न किसी नैरेटिव पे चुनाव लड़े गए। वही जो बात अभी कह रहे थे, कोई किसी नाम पे लड़ता है, कोई किसी नाम पे। 14 से पहले के जितने चुनाव और 14 तक भी, मैं तो कह रहा हूँ इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस यहाँ बारी बारी से चुनाव जीतती और हारती रही है। 14 में भी आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और तीसरे स्थान पर थे, जिनको महापुरुष बताया जा रहा है। और इन्हीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको कोयला चोर कहा था, किसी और ने नहीं कहा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके खिलाफ धरने लगाते थे। मेहर सिंह जी उस पार्टी के उस टाइम जिला प्रमुख थे, आप इनसे पूछ लीजिए। अब विकास की अब बात करेंगे, कुरुक्षेत्र का विकास मैं बार बार कह रहा हूँ, या तो नंदा जी ने कुरुक्षेत्र को पहचान दी, या उसके बाद 2000 से 2005 तक पिछले 5 साल में क्या हुआ? मैं 5 साल का नहीं, मैं आपको सारी चीज बताने जा रहा हूँ। 2000 से 2005 के बीच यहाँ 4 बड़े संस्थान बने, संस्थान के नाम आपको गिनवा देता हूँ। कल्पना चावला प्लेनेटेरियम, जो देश में दूसरा था कलकत्ता के बाद, कुरुक्षेत्र में बना और प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन करवाया तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने। कैटरिंग इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र में आया, नेशनल इंस्टीट्यूट है, नहीं नाम पता ना। कल्पना चावला प्लेनेटेरियम यहाँ बना, म्यूजियम का विस्तार हुआ और कुरुक्षेत्र का जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था वो NIT बना, उसी काल में बना है। आप जाके कुरुक्षेत्र के जितने शिलान्यास हैं, उद्घाटन आप जाके पटियां पढ़ लीजिए, उसके बाद कभी कुछ हुआ और कोई भी साथी बता दे। आज देखिए वो नए हैं, इसको जाला नहीं। आप यहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं, वहां मोदी जी को फिर से बना नहीं, वो मैं वही बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे क्या इतराज है, देश के प्रधानमंत्री मैं भी सम्मान करता हूँ। आप उपलब्धियां बताइए ना, अपने एजेंडा पे आइए ना। आप बता तो रहे हैं 370 राम मंदिर, क्या क्या 370 झूठ बोल रहे हैं। 370 नहीं हट सकती, मैं दावे से कह रहा हूँ। मैं कानून जानता हूँ, मैं संविधान के बारे में भी जानता हूँ, संविधान पढ़ता हूँ। 370 आज भी है, आप संविधान की प्रति आज ही खरीद के जाए किसी भी बुक सेलर से, उसमें 370 है और रहेगी। 370 कोई हटा नहीं सकता, बात आपकी ठीक है, लेकिन जिस भी रूप में वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं ना, उसको कि किस तरीके से क्या उन्होंने किया, राम मंदिर को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, किसानों को जो 6,000 रुपए दे रहे हैं उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसान को आपने 6,000 दिया सम्मान निधि, मैं भी कहता हूं कि सम्मान करना चाहिए। हमने सम्मान दिया था जो आज बढ़ के 3,000 पहुंच गया। हमने वृद्धावस्था पेंशन सम्मान पेंशन के रूप में 100 रुपए से शुरू करी थी, आज उसको हर दल बढ़ा करके बोलता है कि 7500 देंगे, 6500 देंगे, 6000 देंगे, क्यों दे रहे हैं। और जिसकी बात ये करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात, सबसे पहले अगर ये योजना कोई देश में लेके आया था उस आदमी का, इस बार क्या होगा? चौटाला जी जीत रहे हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है? जीतने के लिए आए हैं, अरे जीतने के लिए आए हैं। और इस बार तो सौभाग्य ये रहा कि दो बड़े जो गठबंधन जिनकी पैरवी सारे पत्रकार भी करते हैं, देश का मीडिया करता है, उन सब का मुकाबला भी कर रहे हैं। और देख लेना परिणाम 4 तारीख को। 4 तारीख को सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। चरणजीत सिंह बख्तला। क्या मुद्दे हैं सर यहाँ पर कुरुक्षेत्र में? सबकी बात आप सुन रहे हैं, मुद्दे क्या हैं यहाँ पर आम लोगों के मुद्दे? सर आम लोगों के मुद्दे तो देखो बहुत होते हैं, पर ये नेशनल लेवल का चुनाव है, अंतरराष्ट्रीय हमारे देश का चुनाव है, जो हमारी सरकार सेंटर में बननी है उसका चुनाव है। तो ये खाली कुरुक्षेत्र के मुद्दे नहीं है, ये पूरे देश के मामले, देश पे बात होनी चाहिए। तो जो हमारा देश है वो अब सुरक्षित हाथों में है, तो घर का मुखिया जो दबंग होना चाहिए, भी पड़ोसी को भी भय रहे, भी अगर इसकी तरफ अगर आंख उठाई तो ये बख्शने वाला नहीं है। तो कम से कम एक घर में अगर ये अनुशासन चाहिए तो एक देश में भी ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, जो मोदी जी के अलावा हमको कहीं भी नजर नहीं आता। ये जो गठबंधन है चल रहा है आज, गठबंधन मैं तो इसको ठगबंधन कहता हूं। पंजाब में तो भगवंत मान जी कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं और यहां में उनकी सपोर्ट में, कांग्रेस की सपोर्ट में आ रहे हैं। तो मैं तो यही निवेदन करता हूं, पूरे देशवासियों को निवेदन करता हूं भी इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि कांग्रेस को हमने इतना समय दिया है देश चलाने के लिए। तो कम से कम मैं ये कहता हूं भी मोदी जी को, जब तक मोदी जी इस देश को संभाल सकते हैं, जब वो खुद मना ना कर दे भी मैंने सेवा कर ली है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, तो तब तक उनको मौका मिलना चाहिए।
अब तक जब तक मोदी जी खुद मना ना करते तब तक इनको मौका मिलना चाहिए। आप सबके पास आ रहा हूँ सर, मैं जल्दी से अपना नाम बताइए। रोशन बेदी। अल्लाह साहब कह रहे हैं जब तक मोदी जी खुद मना ना करते तब तक उनको मौका मिलना चाहिए, फिर कैसे बाकियों को मौका मिलेगा? ऐसा है, देश के लिए मोदी बहुत जरूरी है और मोदी के बिना देश, पहले कांग्रेस कहती थी संभाल नहीं सकते, लेकिन अब 10 सालों में जो मोदी जी ने किया है वो कांग्रेस तो बताए ना क्या क्या किया उन्होंने। मोदी जी ने तो बहुत इतना काम कर दिया है महिलाओं के लिए, इज्जत का जो घर दिया है। संदीप सिंह ने क्या किया था महिलाओं की इज्जत के लिए? एक मिनट, जो महिलाओं को इज्जत घर दिए हैं, जो महिलाएं शाम का इंतजार करती थी, सुबह 4 बजे उनको टॉयलेट के लिए दिक्कत होती थी, वो सम्मान सिर्फ मोदी जी ने दिया और किसी ने नहीं दिया। दूसरा नंबर भाई साहब कह रहे हैं जो सम्मान महिलाओं के लिए, अभी केजरीवाल के सीएम हाउस में क्या हुआ है? महिलाओं के साथ महिलाओं की पिटाई की गई है, वो क्या चीज है? वो चीज तो बताइए ये लोग। ओके, आप इनको बोलने नहीं दे रहे थे, अब चलिए उसे शुरुआत कर लेते हैं। आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन दिल्ली से शुरुआत करते हैं, सीएम हाउस में क्या हुआ था, उसके बाद ये किस तरह की राजनीति हो रही है? अपने साथी की चीचा लेदर कर रहे हैं अब आप लोग। आप खुद देखिए ना, मेरा नाम विशाल सिंह है, आप खुद देखिए जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें क्या है, वो ठीक ठाक आ रही है, और बाद में क्या बोला जा रहा है मेरे को पीटा गया, आप खुद समझ सकते हो ये क्या है। सब बीजेपी की करी कराई है जो हो रहा है। अब मैं एक चीज सुनो, मैं आपसे एक चीज बोली है, काट दूंगा, ये चीज बोली है या नहीं? ऑन रिकॉर्ड है, कोई है क्या है वो? तो ऑन रिकॉर्ड, एक बार सुन लीजिए, दिखा दूंगा आपको, अभी दिखा दे ना, डिबेट में दिखाओ ना, आप डिबेट में दिखाए। चलो, मैं अपने आप को भाजपा वाले ना बहुत बड़े हिंदू मानते हैं, कल पात्रा जी ने क्या बोला भी, भगवान भी मोदी की भक्ति करता है, यानी कि इन्होंने मोदी को भगवान से ऊपर कर दिया है। और ये क्या, उसके बाद माफी भी तो मांग ली, फिर बीजेपी क्यों नहीं करी? उसने माफी मांग ली तो ठीक है, माफी मांग ली, मौन व्रत की बात कर दी, जुबान तो किसी की बोल दी नहीं, उसके दिल में तो थी, उसके दिल में थी ना भी मोदी सबसे ऊपर है, तो क्या हिंदू करते हैं? और ये बोलते हैं मोदी सच बोलता है, ये झूठ बोलता है, बता तो दे, जब 2014 में यहीं पे आके ये बोला था कोयला चोर नवीन जिंदल, तो अब वो कैसे कोहिनूर हो गया? और दूसरे बड़े बड़े जुमले फेंकते थे, ये कह रहे इतने काम किए, मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को दूंगा, और पहली कलम से किसानों को MSP दूंगा, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, स्मार्ट आप सर, सरकार आपकी है 10 साल से सरकार आपकी है, जब कांग्रेस से लोग परेशान थे तब आपको सत्ता दी थी, कांग्रेस से परेशान थी ना तभी तो थी ना, आपने तो सबसे पहले मोदी की रैली रेवाड़ी में थी, उसने ये बोला था पहली कलम से मैं MSP दूंगा। भाई आप पे सवाल जवाब तो है नहीं, जवाब क्यों नहीं दीजिए उनको, फिर आप हाँ, तो वो वादे कहाँ गए? 15 लाख बोला था वो कहाँ गए? अब महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं, 3000 कर्नाटक के अंदर जो वीडियो आई है वो क्या है, और ये भ्रष्टाचारी सारे ले रहे हैं, भ्रष्टाचार है जो, अब ये नवीन जिंदल है, ये भ्रष्टाचारी है ना, नवीन जिंदल भ्रष्टाचारी है, निकल रहा है वो सब देश जिंदल भ्रष्टाचारी था, इसके लिए लग रहा है ना, ये नहीं पता भ्रष्टाचारी नहीं था, सैनिकों को क्या ले लिया, दी जा रही है उसको क्यों जोर लग रहा है पैसा, मुझे बताइए कहाँ लग रहा है पैसा, ये जो भ्रष्टाचार देश के विकास में लगेगा, लगेगा अभी वॉशिंग मशीन का क्या मतलब है? सारे भ्रष्टाचारी ले लिए, ऐसा कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ कुत्ते, बताइए मुझे, आप लोग ठीक है आम आदमी पार्टी से हैं लेकिन यहाँ कुरुक्षेत्र के पास, तो एडवोकेट विकास तोमर, देखो मोदी जी आए थे सनातन का नाम लेके, गोरक्ष की बात करके, बीप कंपनी जो गाय का मांस बेचती है उससे 500 करोड़ का चंदा लिया है, मेरे को तो आज मोदी के चेहरे पर गाय का खून नजर आता है। मोदी कहता है नारी शक्ति की बात, देश के जवानों की बात, कारगिल का वो मेरा सिपाही उसकी पत्नी को मणिपुर में नंगा करके घुमाया, तब मोदी एक शब्द नहीं बोला, क्यों? एक हमारे पड़ोस में पेवा संदीप सिंह को मंत्री बना के रखा, एक कोच ने सरेआम उस पर FIR कराई, खट्टर की सरकार थी, ये बोले कि हम नहीं हटाएंगे, ना तो इन्होंने नारी को सम्मान दिया, ना इन्होंने सनातन को अपनाया, हर किसी से इन्होंने चंदा लिया है, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भला हो जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से हम सबको ये अवगत करा दिया, सारी पब्लिक को, देश की जनता को, कि 8500 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी गवर्नमेंट लेगी, चंदे की चोरी की है, कि या तो मुझे इतना पैसा दो वरना मैं तुम्हारा काम नहीं करने दूंगा, और फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों के तो माफ कर देते हैं लोन, किसानों के अगर किसान ने 5 लाख का लोन ले लिया, 2 लाख का 50,000 का लोन लिया वो माफ नहीं कर सकते, उसकी चंदा तो सबने लिया ना,
सब ने लिया, किसी को कम किसी को ज्यादा। बीजेपी ने तो रिश्वत लिया, बाकी ना चलो मान ली, लेफ्ट पार्टीज ने नहीं लिया सर, कुछ लेफ्ट की पार्टीज। हाँ आपने नहीं लिया, या पता नहीं या मिला कि नहीं मिला, मुझे नहीं मालूम। चंदा किसी ने नहीं लिया, पार्टियों लोगों ने चंदा वो दिया है, इन्होंने चंदा लिया है, इन्होंने रिश्वत ली है कि हमें ये दो वरना हम तुम्हारा काम नहीं करने देंगे। वो तो उन रिकॉर्ड है, वो तो सबको दिखाई दे रहा है, कहां से आ गए इन पे। और ये कहते हैं कि हमने देश के विकास के लिए काम किया। आप बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आप लोग आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली के आपके मुख्यमंत्री खुद जेल में हैं, बेल पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बात का मैं आप जवाब देता हूं, जो शराब घोटाला ये कहते हैं, एक शराब नीति बनाई थी दिल्ली सरकार ने, एलजी की उस पर अप्रूवल थी, उसके हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट का इनकम बढ़ी है, टैक्स ज्यादा आया है। और तो ये बात केजरीवाल के वकील कोर्ट में क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के वकील कोर्ट में क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? सर कितना टाइम हो गया मनीष सिसोदिया को, बताइए भाई साहब। वो साबित आज तक ये चलान इन चार्जशीट नहीं पेश कर पाए, इनके खिलाफ कोई एक पैसे की रिकवरी नहीं है। और उसमें खुल के आ गया कि जो शरद चंद्र रेड्डी है, जो किंग पिन इन्होंने ईडी ने बताया था, ईडी तो इन्हीं की है, 65 करोड़ का चंदा लिया है उससे। तो जब जस्टिस ये कहकर बेल दे सकते हैं कि भाई चुनाव प्रचार करना नेता का हक है, तो फिर उस पर वो सवाल कर सकते हैं ईडी से ना, और सवाल तो कर रहे हैं। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इंटरिम बेल दी है ना, इसीलिए तो दिया नेता के तौर पर दिया ना, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। इस पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, आप भी जानते हैं कि आप वकील तो बार बार हमने भी तो उस अरेस्ट को ही चैलेंज किया हुआ है, हमने कोई बेल नहीं मांगी सुप्रीम कोर्ट, हमने ये कहा कि हमारी अरेस्ट गलत है। एक आप मौजूदा सीएम को आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हो, जबकि उनके खिलाफ किसी ने एक आदमी ने जनता को जाके क्या बताएंगे। हेमंत सोरेन अरेस्ट होते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, लालू यादव अरेस्ट होते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, अरविंद केजरीवाल कुर्सी से चिपके हुए हैं, ये भी सवाल जनता कर रही है। ये कौन सी नैतिकता है जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे नेताओं को बताते थे कि आरोप लगे तो इस्तीफा दो, जांच में सहयोग करो, वो नौ संबंध पे जाते नहीं है, फिर इस्तीफा नहीं देते हैं। जिस नौ संबंध पे नहीं जाते, उस संबंध पे जाते ही कोर्ट मेरे को बेल दे देती है। और कोर्ट में मैं यही तो पूछने गया हूं कि जी मैं इसके लिए, एक आदमी नौ बार ये कहता है कि मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, एक दसवीं स्टेटमेंट जब उसको बेल ईडी दे देती है, दसवीं स्टेटमेंट में कहता है कि हाँ मैं अरविंद जी से मिला था, और उस एक स्टेटमेंट में अरविंद जी को आप अरेस्ट कर लेते हो। ये तानाशाही चल रही है, और तानाशाही चल रही है, लेकिन जिस नैतिकता का पाठ अरविंद केजरीवाल उनकी कोर टीम जो अब टूटती जा रही है, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके, ये मैं पर्सनली भी पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत कवर किया मैंने अन्ना आंदोलन को, उसके बाद पूरे मूवमेंट को, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सब पे सवाल उठाते थे, लिस्ट गिनाते थे कि इस्तीफा दो और जांच में शामिल हो, खुद क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल ये उदाहरण साबित कर। तो अरविंद केजरीवाल तो जांच में शामिल होने के लिए जांच में शामिल थे सर, नौ संबंध के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, ये बताएंगे आप जनता। अरविंद जी के ऑफिस पे, अरविंद जी के घर पे ईडी ने सीबीआई ने 20 बार रेड किया है, जब कुछ नहीं मिला है, और इससे ज्यादा जांच में शामिल कैसे होंगे। कुछ नहीं था तो पहले संबंध पे जाके बैठ जाना चाहिए था, वहीं जाके धरना देते, धरना। अरे मेरे भाई, जब मैं शामिल हूँ जांच में, आप मेरे ऑफिस में आ रहे हो, मेरे घर पे आ रहे हो, जांच कर रहे हो, और इससे ज्यादा जांच में शामिल कैसे होऊंगा। मैं आपके थाने में जाके बैठ जाऊँ जी, मेरे को अरेस्ट कर लो, वो जांच में शामिल। आपको इतने सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि पूरा आंदोलन मैंने कवर किया, बहुत सवाल अरविंद केजरीवाल ने सबसे पूछे, जब अपनी बारी आती है खुद ही जज, खुद ही मुंशी, खुद ही गवाह बन जाते हैं। अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ आपको, क्या मैं थाने में जा कहूँ कि मुझे अरेस्ट कर लो, मैं जांच में शामिल होगा। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं, आप मेरे पास जांच करने आ रहे, यार बोल लेने देना। जब आप मेरे पास जांच करने ही तो आ रहे हो, जब मेरे आप ऑफिस में रेड करने आ रहे हो, मेरे घर पे रेड करने आ रहे हो, और जांच में मैं शामिल हो रहा हूँ, और इससे ज्यादा जांच में शामिल क्या होगा। जांच में सहयोग कर रहे थे ना, पूरा सहयोग कर रहे थे, जांच में पूरा सहयोग हो रहा था, जल्दी से बिल्कुल बिल्कुल जांच में। देखो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी कानून को मानने वाले लोग हैं। तो एक इसमें जोड़ देता हूँ, शराब घोटाले के बाद ये जो पूरा मामला खुला, इसके बाद इतनी खलबली क्यों मच गई। दिल्ली में तो बहुत सी बातें चलती हैं कि राघव चड्ढा तो अमेरिका भाग गए थे बचने के लिए, हालांकि अब वापस आ गए, यही बात हुई मालीवाल, स्वाति मालीवाल को लेकर। फिर अब कहा जा रहा है कि राज्यसभा की सीट का मसला फंस गया है, कि भाई कैसे अरेंज किया जाए, उसको लेकर इस्तीफे की खींचतानी हो रही है, इसलिए पूरा विवाद। देखिए दिल्ली में मैं आपको बताता हूँ दिल्ली में केवल एक ही बात चल रही है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री को, दिल्ली के बेटे को, बिना किसी वजह से, बिना किसी सबूत के नरेंद्र मोदी ने डर के मारे और पूरी भाजपा ने डर के मारे जेल में डाल दिया चुनाव से ठीक पहले। आज भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं करती है कि भैया लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, किस तरीके से लोगों को सुख सुविधाएं दी जाए। आज नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता एक तो नरेंद्र मोदी जी को भगवान बताने लग जाता है, अब वो चाहे मौन व्रत रखे चाहे जल समाधि ले ले, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो कांग्रेस के भी बताते हैं, आम आदमी पार्टी के भी बताते हैं, आप सब बताते हैं, सब कर। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमेशा राजनीति के धर्म में रहकर काम करते हैं,
और बाकी के जो भाजपा वाले हैं ये धर्म की राजनीति करते हैं। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और दिल्ली की जनता दिल्ली के बेटे के साथ है। 4 जून को जब दिल्ली की ईवीएम खुलेगी तो दिल्ली का बेटा दिल्ली की जनता जीतेगी और ये तानाशाह नरेंद्र मोदी हारेगा। 4 जून को हारेगा। आप लोगों से देखिए इनसे भी बहुत सारे सवाल किए मैंने। मैं मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार हरियाणा में अब मौजूद हूँ, फिर मैं पंजाब में हूँगा। जहाँ जहाँ गया ना, जो युवा से जब हम बात करते हैं, आज यहाँ कुरुक्षेत्र के युवाओं से भी हमने बात की, एक सवाल सबका होता है रोजगार, रोजगार, रोजगार। हर राज्य में युवा रोजगार के बारे में बात कर रहा है, सरकारी नौकरियां जो रुकी हुई हैं, जो पद खाली हैं उसकी बात करता है केंद्र की। ये तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी ना 10 साल हो गए। देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के शासनकाल में लाखों युवाओं को नौकरी रोजगार दिए और जो युवा अपना काम करना चाहते थे उनको स्टार्टअप योजना के तहत उनको अपने लघु उद्योग या छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उन्हें सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराया कि वो अपना काम शुरू करें और आत्मनिर्भर बने। और जो मेरे भाई ने भी इनकी बात पर कुछ बात करना चाहता हूँ कि ये मेरे भाई ने बात की महिला सुरक्षा की, एक बात करना चाहता हूँ, एक प्रदेश का मुखिया उसके घर में और एक सांसद के साथ बदसलूकी होती है तो महिला सुरक्षा की जरूरत, इन के यहाँ दिक्कत नहीं आई? और दूसरों को क्यों मतलब वो करते हैं? पहले तो अपने गिरेबान में देखे ना कि स्वाति जी एक आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और सांसद के साथ बदसलूकी होती है, उनके शासनकाल में दूसरी ओर हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? अब थोड़े दिन हो गए अरविंद केजरीवाल जी यहाँ एक रोड शो करने के लिए आए तो उनकी वर्डिंग क्या थी कि अगर आप मुझे वोट डाल दोगे, सुशील गुप्ता को यहाँ से जिता दोगे तो मैं जेल में जाने से बच जाऊंगा, अगर नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधान तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए वो मेरे को जेल में करे। देखो कितना डर है कि अपना पता नहीं हमें मैंने गलत कर रखा है। और जब अरविंद केजरीवाल जी पहली बार सीएम बने थे तो उन्होंने कहा था कि ना तो मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं वीआईपी सुरक्षा लूंगा, ना मैं मकान लूंगा, मैं सादा जीवन जीने वाला आदमी हूँ और सादा जीवन जीऊंगा और मैं किसी तरह की सुरक्षा वगैरह नहीं लूंगा। लेकिन जब वो सीएम बन गए, अब आपने देखा होगा उन्होंने अपना जो शीश महल है, महल है उसके मुरम्मत के लिए 47 करोड़ रुपए का उसने घोटाला कर दिया। बताओ वो तो ठीक है, आप मुझे रोजगार का बता दीजिए, 2 करोड़ रोजगार का वादा था युवा, क्योंकि मैं लगातार युवाओं से रोज बात करता हूँ, होली के ठीक अगले दिन से मैं चुनावी कवरेज पर निकला हुआ हूँ, रोज युवाओं से बात करता हूँ, हर जगह युवा रोजगार की बात करता है। हरियाणा में अग्निवीर को लेकर युवा खूब चर्चा कर रहा है, अग्निवीर को लेकर परेशान है। जितने युवा रोज तैयारी करते हुए दिखते थे उनकी संख्या घट के शायद 20% पे आ गई, अब उन्होंने तैयारी करना छोड़ दिया है, तो ये भी तो बड़ी चुनौती है ना, युवा नाराज है। देखिए हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के योग्यता के आधार पर रोजगार देने का काम किया, और जैसे मैंने पहले बताया कि जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते थे उसको स्टार्टअप योजना के तहत उनको प्रोत्साहन किया गया, उनको अपना रोजगार करने के लिए ट्रेनिंग भी कौशल योजना के तहत उनको ट्रेनिंग देकर अपना काम करने का अवसर अपना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उनको। मतलब मैं ये मान लूं कि आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 370 राम मंदिर मोदी जी के चेहरे पर जनता वोट दे रही है, बाकी किसी मुद्दे से? देखिए विकास किया है मोदी जी ने, ठीक है उन्होंने देश के लिए जो नासूर थे उनको जो उनको खत्म करके देश को अपना धारा 370 खत्म करने का काम किया है, राम मंदिर बनाने का काम किया है, और मैंने कैसे पहले बताया भी सड़कों का जाल जो किसी भी देश की प्रगति में एक अहम रोल अदा करते हैं वो लगातार सब जगह बता रहे हैं, वो लगातार वो बात रिपीट हो रही है। मोदी जी को क्यों दे रही है जनता वोट और आप लोगों को क्यों लग रहा है कि वो वोट मिल रहा है मोदी जी को? जल्दी से मोदी जी डेवलपमेंट का प्रतीक है एक चीज, दूसरी चीज सब भाई खड़े हैं अपने यहाँ पे, डेवलपमेंट में रोजगार भी आता है, मैं उस पे आऊंगा। आप और पार्टियों की, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे, झाजी आ रहा हूँ आपकी पार्ट पे। और पार्टियों का जो नियत होता है, देखिए राजनीति वकालत और पत्रकारिता मुद्दों पे चलती है, मोदी जी ने मुद्दा ही खत्म कर दिया राम मंदिर का, बना दिया, वादा किया था। और हमारे यहाँ घोषणा पत्र नहीं होता, हमारे यहाँ संकल्प पत्र होता है, जो संकल्प लिया हम उसे खत्म करेंगे। दूसरी बात डेवलपमेंट सड़कों से है, आर्मी से है, बहुत सारी जगह, आप विश्व पटल पर कितने स्थान ऊपर आ गए, इकोनॉमी में आप 4th-5th नंबर पे आ गए, आप कहाँ हुआ करते थे। रोजगार की बात है, एमएसएमई योजना शुरू करी गई है, ठीक है। उसके अलावा अभी रोजगार धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, एकदम से मतलब 70 साल पुराना, 10 साल हो गए, 10 साल के बाद आप कह रहे हो एकदम से, 2014 में 2 करोड़ की बात आप लोग बोल लो, आप बोल लो, मैं बाद में बोल लूंगा। 70 साल पुराना जो काम था धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, 10 साल अभी अगले 5 साल में आपको रोजगार भी मिलेगा। और रोजगार का मतलब लोग सरकारी रोजगार से ही क्यों समझते हैं, सरकारी नौकरी से क्यों समझते हैं? 30 लाख नौकरियां तो रुकी पड़ी है ना केंद्र की। सुनिए मेरी बात, आप अमेरिका का, मैं नहीं जा रहा सर अमेरिका, मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में हूँ, यहीं की बात, मैं आपको बात तो पूरी करने दीजिए। आप लोग अमेरिका का देते हैं एग्जाम्पल कि वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट है ना, वहाँ का बहुत सारे, वहाँ की जो आर्मी है बहुत ज्यादा वो है, वहाँ पे क्या है अग्निवीर योजना, क्या चीज है? हम लोग डेवलपमेंट की तरफ हैं, समय डेवलपमेंट विद प्राइवेटाइजेशन, ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है आप लोगों पर, एक्चुअली इट इज नॉट प्राइवेटाइजेशन, इट इज नॉट प्राइवेटाइजेशन, इट इज नॉट प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। सरकार का भी हिस्सा है उसमें और
आम लोगों का जो टैक्स है सबका हिस्सा है, उसी हिसाब से इकोनॉमी से बढ़ रहे हैं, लोगों को आगे चल रहे हैं, रोजगार भी आ रहे हैं, सब आ रहा है, लेकिन एक ना वो ट्रेंड सेट हो जाता है ना कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से चल रहा था, हमने उस मुद्दे को कंप्लीट कर दिया। राम मंदिर से रोजगार का क्या लेने देना, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बना प्रार्थ होते। सुनिए 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 सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, वही बता रहा हूँ, थोड़ा इतने अधीर मत होइए। 22 जनवरी से 6 दिन पहले से मैं अयोध्या में था, बहुत सारे लोग आए, बहुत अच्छी बात है, सब के मन में आस्था है, हम भी वहाँ बड़े आस्था के साथ गए थे, कवरेज भी कर रहे थे, दर्शन भी किए, रोजगार भी है, लेकिन वो तो अयोध्या के लिए है ना, बाहर के युवा की मैं बात कर रहा हूँ। बाहर के कहाँ के युवा की, बाकी देश के हिस्सों में, देश के सारे युवाओं को, सारे देश के हिस्सों में ये जो जिम्मेदारी है केवल केंद्र सरकार की नहीं होती, राज्य सरकारों की भी होती है। केंद्र और राज्य सरकार समन्वय बना करके इस चीज को काम करती हैं। बहुत सी जगह इनकी भी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सिर्फ दिल्ली में ही है, पंजाब में है, ठीक है, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वी आर वर्किंग ऑन इट और होगा, सबको रोजगार मिलेगा, वी आर वर्किंग ऑन इट। इसलिए सवाल है, 10 साल के बाद भी आप कह रहे हैं कि होगा, सबको रोजगार मिलेगा, सर सबको रोजगार कब मिलेगा, और 10 साल लगेंगे? मैं भी बता देता हूँ, मैं आपको सारी चीजें एक मिनट में बताऊंगा, मैं 2 मिनट भी लूंगा आपके। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, हरियाणा की इकोनॉमी कृषि पे आधारित है, और अभी भाई साहब ने भी कहा था किसानों की बात पे ये बहुत कुछ कह देते हैं कि 6,000 देते हैं हम किसान सम्मान निधि देते हैं। 13 महीने तक इस देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा था और पूरे देश के किसान थे, उसमें खास तौर से पंजाब और हरियाणा के किसान थे। आज पंजाब और हरियाणा के किसान की पीठ पे वो जो लाठियां पड़ी थी, वो गोलियां, जो 750 लोग मरे भी थे, आज बहुत दूर नहीं है, आप शायद अम्बाड़ा जाएंगे, अम्बाड़ा के 5-6 किलोमीटर पे जा करके वो नजारा आज भी देख सकते हो। अभी भी पिछले 1 महीने में 3 किसानों की मौत वहां बॉर्डर पे हुई है। ये कोई अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है, पंजाब हरियाणा दोनों सगे भाई हैं, एक ही राज्य है, और बात चाहे वो राष्ट्रीय दल किसी की भी आप करेंगे, इतने बेईमानी से ये बात करते हैं। आप MSP की बात करते हो, किसान के लिए त्याग क्या किया इन्होंने? जब किसान आंदोलन चल रहा था, देश के किसान नेताओं ने, सारे किसान नेताओं ने एक कॉल दी थी कि जो किसान का हितैषी है वो त्याग पत्र दे करके हमारे बीच में आकर के बैठे। 5,000 से ज्यादा विधायक है, 750 से ज्यादा सांसद है, केवल एक विधायक था, एक ही सीट थी इंडियन नेशनल लोकदल की, वो त्याग पत्र दे करके किसानों के बीच में जाकर के बैठा था और फिर उपचुनाव लड़के जीत के फिर आया था, इनके छाती में मूंग दल के मैं कह रहा हूं। और आज जब हरियाणा प्रदेश में आप कवरेज कर रहे हैं, हरियाणा की एक ही मांग है, SYL का पानी। मैं कहता हूँ कि पंजाब का किसान भी हमारा बड़ा भाई है, पंजाब को भी पानी चाहिए। आज इस देश में बहुत सारा बरसाती पानी बह करके पाकिस्तान में जाता है, क्यों नहीं प्रबंधन करते? आप 70 साल की बात कर दोगे, कोई 10 साल की बात कर देगा। किस भी सरकार ने गंभीरता से उस मामले को लिया है? 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया, उसको पंजाब की सरकार ने निरस्त किया, और वो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी पत्नी प्रत्याशी है पटियाला से। आप जाके सवाल पूछना क्योंकि आप पंजाब जा रहे हैं। SYL के मुद्दे पर किसान को बांटने का काम कौन कर रहा है? और 2016 में फाइनल वर्डिक्ट आया, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी फिक्स की गई सुप्रीम कोर्ट के, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोशिश करिए दोनों राज्य मान जाए, अगर नहीं मानते तो केंद्र किसी भी एजेंसी से नहर खुदवाए। आज 10 साल राज कर रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या हरियाणा के किसान को कभी पानी नहीं मिलेगा? क्या हरियाणा को कभी राजधानी नहीं मिलेगी? आप हरियाणा के विषयों पे कभी बात नहीं करते, इस पर आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। हमने तो किया है, हमने तो SYL के लिए बड़ा आंदोलन किया है, गिरफ्तारियां दी हैं, पंजाब में जाके गिरफ्तारियां दी हैं, और इस पूरी लड़ाई को लड़ने का काम एक ही पार्टी ने किया है और आज भी कर रहे हैं, आज भी किसान के साथ खड़े हैं। और किसान इस, देखिए किसान तो वोट मिलेगा आपको क्योंकि वोट चाहिए ना मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए। तो मैंने ये कहा है कि आज किसान नेता, चाहे वो गुरुराम सिंह चढ़ूनी हो, चाहे टिकैत हो, जितने संगठन है, आज उसके साथ क्यों खड़े हैं? आज हर किसान नेता अपील कर रहा है कि अभय सिंह को वोट दीजिए क्योंकि उसने किसानों का साथ दिया है। बाकी कोई भी पार्टी आकर के इस मैदान में ये कह दे हमने किसान के लिए ये काम किया है, कोई भी, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अहम सवाल आपने खड़ा कर दिया सर, एक तो किसान वाली बात, उस पर मैं आऊंगा। युवाओं के रोजगार पे आपने जिक्र किया था, ये कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे, हर दिन 200 से 300 बच्चे विदेश जाते हैं, एक भी युवा को रोजगार अगर पिछले 10 साल में मिला हो, ये बात बता देंगे कि ग्रुप डी के अलावा, मैं एक गारंटी से कह सकता हूँ, 5 साल के नौकरियां 2000 से 2005 में 70 लोग गजेटेड अफसर यहाँ से कुरुक्षेत्र से भर्ती हुए थे, और 10 साल में एक भी, मैंने ये कहा 10 10, अरे किस पे जेल में गए थे? आपको ये बात पता है, चार्जशीट पढ़ी है आपने? किसी ने प्रूव किया था 10 साल सजा काट के आए हैं?
ठीक है, माननीय माननीय न्यायालय का, माननीय न्यायालय का सम्मान किया, सजा काट के हैं, भाग्य नहीं गए, भाग्य नहीं गए, सजा काट के आए हैं। और किसके लिए काट के हैं? 3206 घरों में चूल्हा जलाने की, रोजगार दे के बच्चों को, रोजगार दे के बच्चों को, अपने बच्चों को नहीं है, उसके गांव का, उसके जिले का। अपने योग्य इन्होंने योग्य लोगों का हक अपने कार्य, उसका जवाब दे रहा हूँ मैं, उसी का जवाब दे रहा हूँ। हम न्यायालय में, हमें ये बात कहने का हक था और कहा हमने, एक भी रिश्तेदार नौकरी नहीं लगा, उस जिले के सिर्फ 3 लोग लगे थे, इस कुरुक्षेत्र के अनेकों युवाओं को रोजगार मिला था, क्या रोजगार देना गलत है? और सजा हुई, सजा इसलिए हुई क्योंकि एक साजिश करी गई थी, और वो साजिश का पर्दाफाश भी किया था, आप लोगों ने किया था। साजिश में सजा कैसे हो गई सर, ये भी बड़ा सवाल है। मुझे एक बात बताइए, अब रोजगार की बात हो रही है, बीजेपी तो कह रही है हमने लाखों रोजगार दिए, और राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि 30 लाख नौकरियां लंबित हैं, और फिर कहते हैं कि हम सरकार में आते ही कर देंगे, कैसे हो? देखो, प्रधानमंत्री जी ने जो वादा 2014 में किया था कि साल में हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ छोड़, 1 लाख भी नहीं दे पाए, तो उसके बाद जो रोजगार युवाओं को नहीं मिला तो विदेश में जाने मजबूरी होगी उनकी, तो वहां मजदूरी करके अपना काम चला रहे। तो राहुल गांधी अगर आते हैं तो कैसे देंगे? देखो, राहुल गांधी जो बात करते हैं तो सच्चाई से करते हैं, ईमानदारी के साथ, और प्रधानमंत्री जी सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, और झूठ बोलने के सिवा उनका कोई काम नहीं, धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, पहले भी उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम किया, ई फिर धर्म के नाम पर राम के मंदिर के नाम पे, राम के मंदिर तो पहले भी था, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कपाट टेंट में रखा हुआ था, उन्होंने कपाट खुलवाए थे, रखा हुआ था, नहीं टेंट में, तो कोई मुद्दा अगर कोर्ट में चले जाए तो अलग बात है, ये तो कोर्ट ने फैसला किया, राम मंदिर बनाने का कोर्ट ने फैसला किया, तो ये तो आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने तो राम का अस्तित्व भी नकार दिया, कोर्ट का श्रेय अपने आप लेना चाहते हैं, तो राम तो हमारे सबके आस्था का विषय है, तो सबके घर में है राम, सबके मन में है राम, पहले भी मंदिर थे, आज बात है सबके मन में है राम। सर जल्दी से 4 जून को क्या होगा यहाँ का भी नतीजा और हरियाणा का? सर मैं पहले इन भाई साहब का जवाब देना चाहता हूँ, भी जैसे इन्होंने कहा भी चौटाला सरकार ने, इनेलो ने किया, तो 6 साल इनेलो की सरकार रही हमारे हरियाणा में, तो बादल साहब इनके राइट हैंड थे, तो तब इन्होंने SYL का मुद्दा हल क्यों नहीं किया? तो कंडेला कांड हुआ, किसानों पे चौटाला सरकार में गोलियां चली, आज उस टाइम गुरनाम सिंह चौटानी कहता था इनेलो जो है किसान की दुश्मन है, और आप ये आज कैसा ठगबंधन हो गया, तो आज वो सही हो गए, तो ऐसे इनेलो जो है वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए 6% यानी चुनाव चिन्ह हमारा रह जाए, तो इसीलिए इसलिए एक मिनट मेरी बात सुनो, आपने बोला हम नहीं बोले बीच में, मेरी तो सुन लो ना, सच सुनने की ताकत रखो, सच सुनने की ताकत रखो, तो उसमें क्या हुआ, तो उस टाइम ये चौटाला सरकार आई, इन्होंने कहा किसानों के बिल माफ करेंगे, तो इन्होंने बढ़ा के लिए 5 साल, तो कोई किसानों के हित में काम नहीं किया, ये तो अब कोई उठने वाला नहीं था, अकेले MLA थे, तो इन्होंने कहा अभी अब चलो मौका है, जैसे चढ़ूनी साहब ने वहां तो बैरिकेड तोड़ के आम आदमी से चुनाव लड़ लिया। अब क्या होगा सर, ये बताइए। सर बीजेपी की सरकार बनेगी, और डबल इंजन की हरियाणा में भी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी, मैं गारंटी देता हूं लिख के। तमाम लोग और भी आप लोग बात करेंगे, आइए प्लीज आइए, क्या मुद्दे हैं आप, कुरुक्षेत्र के मुद्दे बताइए मुझे, आई होप किसी पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं। देखिए मैं किसी से जुड़ा नहीं हुआ, मगर सब कुछ देखते हैं हम लोग भी, सुनते हैं सबके व्यूज सुनते हैं, मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि जब हम लोगों को भड़काने के लिए लोग गलत गलत स्टेटमेंट देते हैं। कितना अच्छा काम हुआ, राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, किसने किया सारे जानते हैं, और हम लोग कहते हैं कांग्रेस वाले हमारे क्या कहते हैं कि हम तो भले के लिए कर रहे हैं, उसके लिए फिर वकील क्यों खड़े किए थे? अगर उनको राम मंदिर से इतना प्रेम है, सबके दिलों में है, क्यों नहीं बोला गया, नेताओं ने क्यों नहीं बोला कि भैया क्यों खड़े कर रहे हो, राम मंदिर तो बनना चाहिए। इन्विटेशन भेजा, उसके बावजूद कह के रिजेक्ट कर दिया, हम तो नहीं जाएंगे, ये हिंदू है सारे जानते हैं कौन क्या है जी। प्लीज 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 सर एक मिनट सर, किसी पार्टी से नहीं है, तो कौन कौन से मुद्दों पर वोट डलने वाला है जो तमाम विकास के मुद्दे पर डलने वाला है जी? विकास यहाँ का क्या? विकास कुरुक्षेत्र में हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है, हमें भी नजर आता है। सर रेलवे ट्रैक तो बन रहा है, हमें और भी नजर आ रहा है, आप अगले 5 साल में देखिएगा कुरुक्षेत्र अगर वर्ल्ड के उस टूरिज्म मैप पे ना आया तो हमें पकड़िएगा। टाइम तो हर चीज में लगता है भाई साहब टाइम, आप किस लिए लड़ रहे हो, आप किस लिए लड़ रहे हो, मैं आपके खिलाफ थोड़ी हूँ, मैं तो अपनी अपने विचार रख रहा हूँ, आपको क्यों मिर्चियां लग रही हैं? अरे सर सुन तो लीजिए,
सुन तो लीजिए, जब कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता आप मैं तो कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ जी। आप अगर आम जनता के आप जानने नहीं जाते विचार तो फिर आप आए किस लिए हैं? आम जनता का नहीं हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, आर यू ओके? जैसे गुरु गोविंद सिंह के, सर एक मिनट, जैसे गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे हुए तो वो सरहंद की नियों में 7 साल के और 9 साल के शहीद हो गए थे। क्या इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं आए इस देश में? किसी ने याद किया गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को? ये वर्ल्ड स्तर पे और हर पेट्रोल पंप पे साहबजादों की और मोदी जी की फोटो लगी। इतना मान सम्मान आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया हमारे महापुरुषों को, हमारे जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे उस 4 साहबजादों के जो नाम है प्रचलित हुआ और गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी को, लासानी कुर्बानी को, और गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने हिंद की चादर अपना शीश कटवाया इस धर्म को बचाने के लिए, उनका 450 साल वर्ल्ड स्तर पे बड़े उत्साह से मनाया। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमको कहां से मिलेगा? इस बात आप कह रहे हैं, और भी तमाम लोग हैं। सर आगे आइए प्लीज, आइए बात करेंगे। नहीं करेंगे, आप आएंगे क्या? इधर आइए पहले, देखिए तमाम लोग हैं, कुछ लोग बात करने। इस तरह से आप लोग जनता को डराइएगा तो लोग बात नहीं करेंगे। आप बात करना चाहेंगे भैया? क्या शुभ नाम है? क्या है यहाँ के मुद्दे? यहाँ पे जैसा अभी भाई साहब ने कहा, अभी विकास तो देखो क्षेत्र में दिख ही रहा है, ठीक है। और रही राम मंदिर की बात, पहले वो भाई साहब कह रहे थे भी टेंट में थे, जैसे वो टेंट में थे उस टाइम भी तो बन सकता था। 60 साल से जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम क्यों नहीं बना, अभी क्यों बना है? ये तो मन में वो होना चाहिए ना। बाकी ठीक है सब, रोजगार को लेके काम सब ठीक है। अभी हरियाणा में देख लो HKRN की वो बनाई है, पहले ठेकेदारी प्रथा होती थी हमारी, कम से कम 5-5-6 महीने से सैलरी नहीं आती थी। अब निगम बनाया, टाइम टू टाइम सैलरी आ रही है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया अच्छा। चलिए ठीक है, इनको लगता है सब ठीक है। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, बस वाइंड अप ही कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया। और आप सबसे एक एक आखिरी प्रतिक्रिया में क्या होने वाला? एक लाइन में बात करूंगा, होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा। रोजगार वाली बात पे जो आप बात कह रहे थे, एक चीज बता दूं, मैं उस टाइम भी बोलने लगा, आप आगे चले गए थे। जो रोजगार की प्रक्रिया होती थी पहले, 1-6 महीने पहले फॉर्म निकलता था, 1 साल बाद भरता था, 2 साल बाद रिजल्ट, उस प्रक्रिया को भी बहुत सरल कर दिया गया। 2 महीने से 6 महीने के अंदर सब चीज होती है। फाइनली आपकी बात का जवाब, जीतेंगे सरकार, मोदी सरकार बनेगी, केंद्र में आएंगे और पूरे जोर शोर से आएंगे और देश को अंतरराष्ट्रीय पटल पे और ऊपर करेंगे। आपकी बात का भी जवाब दे दूं, युवा जो मुझे कॉलेजों में, स्कूल कॉलेजों में, कोचिंगों में मिलता है, वो बताता है कि फॉर्म तो निकल ही नहीं रहे सर, तो भरे क्या हम, क्या होगा? नहीं, आचार संहिता अभी लगी है कि पिछले 10 साल से लगी है सर? देखिए 4 जून को इंडिया जीतेगा, नरेंद्र मोदी तानाशाह हारेगा। थैंक यू। दिल्ली का भी आप बता रहे थे तो दिल्ली में तो जीतेंगे, दिल्ली में तो 7 की 7 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है, 100% जीत रही है। और एक चीज और मुझे ये जाते जाते ये बताते जाएं कि 17 सितंबर 2025 के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला नेता कौन होगा? 17 सितंबर 2025 के बाद अगला नेता, देखो ईद के सवाल में ही एक बहुत बढ़िया उन्होंने बात कही, ये इन्होंने तय कर दिया है कि बीजेपी की सरकार आएगी और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी का पीएम कैंडिडेट कौन होगा वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है, जिसको भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा या मोदी जी रहेंगे। तो ये है, अभी आने 4 तारीख को मोदी, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। और जो इनका गठबंधन है, इन्होंने पंजाब के अंदर तो ये कहते हैं फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रखा है। आप पंजाब में जाओगे, उन्होंने उनसे ये सवाल जरूर पूछना कि हरियाणा में तो ये गठबंधन का चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने एक पिछली डिबेट मेरे भाई ने कहा था कि हम तो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, तो ये जनता का मूर्ख बना रहे हैं। तो मैं जनता से ये कहना चाहूंगा कि इनसे समझ के, इनकी भावनाओं को समझ के, इनकी जो स्थानीय वो समझ के आप भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाए और मोदी जी को देश देना चाहूंगा। आम जनता को ये संदेश देना चाहूंगा, यहाँ पे अलग अलग पार्टियों के लोग खड़े हैं, मताधिकार करें अपना, मतभेद हो सकता है लेकिन लड़े मत, झगड़े मत, अपना मतभेद वो जरूरी है। एक बात मैं बीके से कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे भाई साहब ने बताया कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो हमारे बहुत से गुरुधाम पाकिस्तान में चले गए, उस समय कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया कि उन गुरुद्वारों को हिंदुस्तान में लेके आया जाए। देखो आज कितना बड़ा काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, करतारपुर साहब का कॉरिडोर, इसमें हर सिख जाके नतमस्तक हो सकता है। आखिरी चरण में आप लोग आश्वस्त हैं कि 400 पार हो रहा है? बिल्कुल 400 पार ही होगा, निश्चित है ये।
सबके अपने अपने दावे हैं, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, एनएलओ है, तमाम लोग हैं, बीजेपी है, सबके दावे आपने सुने। कुरुक्षेत्र में हम मौजूद हैं, बड़ी अहम सीट है, त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, पब्लिक अपने अपने हिसाब से फैसला करेगी। सबके दावे आपने सुन लिए हैं, फैसला आपको करना है और मतदान के दिन अपने घर से जरूर निकलिएगा वोट डालने के लिए। और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अमर उजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद।